Good morning, children. Today, we are going to start chapter number 16, mensuration part 2, volume and surface area of solids. First, total surface area. What is total surface area? It is a cuboid. Dekh Aapko malum hai, you know very well what is cuboid. Cuboid has six faces. One, Two, three, four, five, and six. Six faces, eight vertices. Vertices, what Corner. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And it has twelve edges. एजेस का मतलब होता है लाइन सेगमेंट जिस जो कि ये पॉलीगनस के होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एजिज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो हाउ मैनी एजेस ट्वेल्व एजेस सिक्स फेसेस एंड एट वर्टेसेस हैज़ अ अबॉयड तो बच्चों ये जो क्यूबॉयड है अगर हम इसके सभी पॉलीगन्स का एरिया निकालते हैं यानी कि ये एक कार्डबोर्ड से बना हुआ है तो इसमें कितना कार्डबोर्ड की नीड होगी तो इसके लिए हम इसका क्या निकालते हैं सरफेस एरिया जो कि पूरे इसको क्यूबॉयड को क्या कर लेगा कवर कर लेगा या इस पर कवर अप करना है विदाउट ओवरलैपिंग तो हम क्या करते हैं इसका क्या निकालते हैं सरफेस एरिया सरफेस एरिया में हमारा क्या रहता है टॉप बॉटम लेटरल साइड्स एंड फ्रंट एंड बैक ठीक है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ की इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय एल बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट बी एच प्लस एच एल और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखते हैं यानी कि मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया वट इज़ लेटरल सरफेस एरिया एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें और ये क्या ले लें फ्रंट बैक और टू लेटरल साइड यानी कि चारों साइड का जो ये पार्ट ले लें दैट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया जैसे एक रूम है हमारे पास अगर हम रूम की आप रूफ छोड़ दें और उसका फ्लोर छोड़ दें तो आपके पास फोर वॉल्स बचती हैं केवल दैट इज कॉल्ड लेट्रल सरफेस एरिया द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉय इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर यूनिट इट इज़ अ क्यूबॉयड क्यूबॉयड का लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट होता है इट इज़ अ क्यूबॉयड देखिए इसमें इसका ये क्या है लेंथ ठीक है इट इज़ द ब्रेथ एंड इट इज इट्स हाइट सेम मैंने लिखा है एल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्लियर और इट इज़ डिफरेंट लेटल सरफेस एरिया ऑफ की बॉयड इज सेम एज एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ आर रूम यानी कि जब भी कभी लेट्रल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है इसका मतलब उसका टॉप और बॉटम आपने छोड़ दिया है नाउ व्हाट इज क्यूब अब आपको मैं दिखाती हूँ इट इज अ डाइस इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉय क्यूब बिकॉज इट्स ऑल एजेज आर इक्वल देखिए ये 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 सब इक्वल हैं इसमें भी सिक्स फेसेस होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स एल स्क् स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लेट्रल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फोर एल स्क्वायेर लेट्रल सर्फेस एरिया भी क्या होता है उसका हम टॉप और बॉटम छोड़ के जो बाकी की चारों साइड होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्लियर इट द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज फोर एल यूनिट क्लियर नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सिक्सटीन ए क्लियर everyone write all the formulas in your notebook and draw diagram also it is cuboid then the formula of cube total surface area of cube lateral surface area of cube and its sides are same l l l Actually, it'd be Let's start question number four. Find the total surface area of the following cuboids. Length is equal to eight centimeter, breadth is equal to five centimeter, and h is equal to three centimeter. We write formula. Total surface area of cuboid is equal to two into l b plus b h plus h l. Solve it by putting the value l eight into five plus

2 multiply by 79 two nines are 18 two sevens are 14 fourteen or 1 fifteen 158 centimeter square is total surface area of cuboid clear c part of question number four l is equal to 5 decimeter b is equal to 15 centimeter h is equal to 2 decimeter first decimeter convert into the centimeter सेंटीमीटर एल इज इक्वल टू फाइव डेसीमीटर वन डेसीमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर फाइव डेसीमीटर इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर सेम एच इज इक्वल टू टू डेसीमीटर वन डेसीमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर टू डेसीमीटर इज इक्वल टू टू इंटू टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर नौ बाई राइट द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल टू इंटू ना फी बाई पुटिंग द वैल्यू सेंटीमीटर वाली वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे एल बी फिफ्टी इंटू फिफ्टीन Plus bh 15 into 20 plus HL 50 into 20. Now calculate them 2 into 50 into 15, 750 plus 300 plus 1000. Now add them, we get 2050. Now multiply this 200 25 10. टू टू ज फोर तो वट इज द टोटल सरफेस एरिया फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया जब बच्चों ये अलग अलग यूनिट दी होती है तो हम सेम यूनिट में कर लेते हैं अगर सभी डेसीमीटर में दिया हुआ होता जैसे कि डी पार्ट में आएगा तो आप इसको पूरा डेसीमीटर में ही करेंगे और लास्ट में लिखेंगे डेसीमीटर स्क्वा ठीक है नौ बी एंड डी पार्ट In homework, clear now. Question number five: find the total surface area of the cubes whose each side measures. B part 2.5 centimeter. First, we write: total surface area of cube is equal to 6L square.

टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्लियर now. डी पार्ट इसमें भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ क्यूब ये लिखना जरूरी होता है सिक्स एल स्क्वेर सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव अब आप इसको क्या कर सकते हैं फिफ्टीन और फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है टू ट्वेंटी फाइव डेसीमल बिफोर द फ़ोर डिज़िट वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स नाउ मल्टीप्लाई बाय सिक्स सिक्स फाइव ज थर्टी सिक्स टू ज ट्वेल्व ट्वेल्व और थ्री फ़िफ्टीन सिक्स टू ज ट्वेल्व और वन थर्टीन बिफोर द फोर डिजिट वन टू थ्री फोर डेसीमल मैंशन द डेसीमल एंड रॉइट वन ज़ीरो अब आप इसमें क्या लिखेंगे मीटर स्क्वेर सेम वन पॉइंट एट डेसीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सिक्स एल तो स्क्र सिक्स इंटू वन पॉइंट एट इंटू वन पॉइंट एट सिक्स इंटू थ्री पॉइंट टू फोर नाउ सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व और टू फोर्टीन सिक्स थ्री ज़ा एटीन और वन नाइनटीन तो कितना आ गया बच्चों नाइनटीन पॉइंट फोर फोर डेसी मीटर स्क्वेयर इट्स टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव इन योर होमवर्क एवरी वन डू द होमवर्क एंड क्लास वर्क ऑल्सो एंड नेक्स्ट टमोरो We will continue this exercise. Clear?